पंजाब सरकार ने 3.65 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे प्रदेश को बाहर निकालने के लिए नया कदम उठाया है, जो कि 2019 से 20 में पंजाब सरकार पर करीब 2.29 लाख करोड़ रुपए था। समय के साथ यह कर्ज बढ़ता गया और 3.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ विकास टीवी। पंजाब सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने और सरकार पर बढ़ते लगातार कर्ज को नियंत्रित करने के लिए नया रोड मैप तैयार करने में जुट गई है, ताकि आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से दुरुस्त किया जा सके। आपको बता दें कि सरकार अपने नए रोड मैप पर 1.5 महीने से कार्यरत है। सरकार ने अपने खर्च को नियंत्रित करने के साथ ही वित्तीय घाटे और फिजूल खर्ची को कम करना शुरू कर दिया है। अपने नए रोड मैप के तहत पंजाब सरकार ने पूर्व रिटायर्ड IRAS अरविंद मोदी और मुख्य वित्तीय सलाहकार और ड्यूक यूनिवर्सिटी के पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर सबस्टेन जेम्स को वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पर काबिले गौर है कि पूर्व सरकारों ने भी पंजाब सरकार पर बढ़ते हुए वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कई फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किए, लेकिन उनकी रिपोर्ट किसी भी सरकार में लागू नहीं की गई थी। प्रदेश की मौजूदा सरकार पर जिसकी सबसे बड़ी मार पड़ रही है वह है बिजली की सब्सिडी। प्रदेश में प्रत्येक कनेक्शन पर 300 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली मुहैया कराने के अपने चुनावी वादे को सरकार बखूबी निभा रही है। इस पहलू के अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बिजली सब्सिडी पर सरकार का करीब 20 से 22 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सरकार ने अपना दूसरा चुनावी वादा यानी कि प्रदेश की हर महिला को 1000 रुपए आर्थिक मदद देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया है और सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि इस वादे को पूरा किया जा सके, क्योंकि बीते दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में हुई 16वें वित्तीय कमीशन की बैठक में भी बिजली सब्सिडी का विकल्प खोजने के लिए सरकार को कहा गया था, जो कि प्रदेश की मौजूदा सरकार के सत्ता में आने का सबसे बड़ा चुनावी वादा था। बीते 5 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार ने तैयार किए अपने नए रोड मैप पर काम करते हुए राजस्व को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया था, जिसका सीधा असर या यूं कह ले कि जिसका सीधा बोझ कहीं ना कहीं जनता पर भी देखने को मिला है। इस दौरान सरकार ने पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिया, जिससे सरकार को 545 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की आस है। दरअसल सरकार अपने सभी महकमे जो किराए पर चल रहे हैं उन सभी को सरकारी इमारतों में फिट कर किराए के रूप में करोड़ों रुपए की हो रही फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने जा रही है, जिससे सरकार को सालाना करीब 50 करोड़ रुपए तक की बचत की आस है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने पंजाब सरकार के करीब 8500 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के तहत रोक रखे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का 950 करोड़, आयुष्मान भारत योजना के तहत 249 करोड़, रूरल डेवलपमेंट फंड के तहत 5600 करोड़, मंडी बोर्ड के तहत 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन के 1100 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 180 करोड़ और कैपिटल क्रिएशन के तहत 1800 करोड़ रुपए के फंड रोक रखे हैं। अब देखना यह होगा कि पंजाब सरकार अपने इस प्रयास में कितनी सफल हो पाती है और अर्थव्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने की कोशिश किस हद तक कामयाब हो पाती है। तब तक देखते रहिए अर्थ विकास टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।